जेवा मैषे कित सौहृदार्था जनेश देहां भरवार्तिकेषु देहेषु यायात्मजराति मत्सु न प्रीतियुक्ताय वदार्थाश्च लोके। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए गृह मेधा और संकीर्तन मेधा दो चीज है। जिन लोगों का मठ में रहते हुए भी त्यागी जीवन गुजारते हुए भी जिन लोगों का जिंदगी में गृह मेधा वृद्धि होते चला वो लोगों का वास्तव संसार वास्तविक रूप से संसार में ही प्रविष्ट हो जाएगा। और बाहर में अगर संसार नहीं भी है अंतर में संसार है। गृह मेधा जिसका वृद्धि होते चले बड़ा खतरा है। गृह मेधा वृद्धि होने का मतलब वो संसारी है मेटेरियल आदमी है। और जिसका संकीर्तन मेधा बढ़ते चले उसका सुविधा होगा। संकीर्तन मेधा वृद्धि होते होते ऐसा स्थिति उसका जीवन में आ जाए जिसमें हरि संकीर्तन के द्वारा ठाकुर जी का दर्शन ठाकुर जी का लीला सब कुछ अनुभव पूर्ण चेतन अवस्था प्राप्त हो जाए। ऐसे बाहरी दृष्टि में देखा जाता है जो हमारा संसार नहीं है लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया अंतर में संसार रहना सबसे बड़ा डेंजरस है सबसे बड़ा नुकसानदायक है अंतर में संसार रहना। बाहर में संसार रहे तो ठीक है चलो जिस बारे में काल चर्चा किया था प्रियव्रत महाराज का बाहरी दृष्टि में संसार हुआ था लेकिन अंतर्दृष्टि में देखो अंतर्दृष्टि लेकर कोई संसार नहीं था। हर वक्त ठाकुर जी का चिंतन विचार ये था। काल सुबह में एक बात उठाया था उसमें साधु संघ के द्वारा साधु संघे कृष्ण नाम यही मात्र चाय संसार जिनिति आर कोनो वस्तु नहीं। असाधु संघे भाई कृष्ण नाम नहीं है नामाक्षर बाहिरा बटे नाम को नए। ये सब विचार के द्वारा अनुभव करना चाहिए कि असत कौन वस्तु है सत कौन वस्तु है कैसे हमारा असत संग बन जाए कैसे सत्संग बने। वास्तविक सत्संग का बहाना करने से भी सत्संग नहीं मिलता कभी ऐसा विचार। और जीव गोस्वामी बात सुंदर बताया रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया स्वजाति राशे स्निग्धे साधु संगो सतो वरे। रूप गोस्वामी पाद का कहना जीव गोस्वामी पाद और भी सुंदर बताए गुरु जी का आज्ञा लेकर अगर वास्तव किसी साधु का संग करे उसमें कोई दोष नहीं है उसमें कोई असुविधा नहीं है। लेकिन स्वजाति राशे स्निग्धे साधु संगो सतो वरे इसका मतलब क्या है। चार संप्रदाय का किसी भी संप्रदाय में अगर साधु हो वास्तव साधु हो तो ये तो आश्चर्यवाद है। साधु तो साधु ही है आश्चर्य और इसका लिए कोई तो रोक टोक नहीं है। लेकिन विचार ये है अपना संप्रदाय का ऊंचा संग करे तो उसका भजन का पुष्टि होता है और कुछ नहीं। दूसरे संप्रदाय का कोई अच्छा महाराज हो बड़ा ऊंचा है सिद्ध महात्मा है हम तो जाते थे कोई असुविधा नहीं उनका विवेक वैराग्य बहुत सारे सिखा है। लेकिन अपना संप्रदाय का ऊंचा साधु का संग करो उसमें क्या होता है स्वभजन अपना जो संप्रदाय को जो भजन है वो पुष्ट होता है यही सुविधा।
अपना संप्रदाय का जो भजन का पद्धति है, तो अपना संप्रदाय का जो ऊंचा साधु संघ है, इसका संग करने से सुविधा ज्यादा होगा भजन में। दूसरे संप्रदाय का साधु मिले तो उसका सत्कार करो, वंदना करो, प्रेम करो, कोई असुविधा नहीं। लेकिन ऐसा सिद्धांत तो हृदय में रखना, जैसे महाराज जी अगर कोई निम्बार की संप्रदाय का है, कोई महाराज जी अगर सोचो कि रामानुज संप्रदाय का है, वो अगर कोई सिद्धांत तो बोले, कोई कथा सुना, तो वो विचार के द्वारा प्रभावित नहीं होना पूरा, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसका जो सिद्धांत है उसमें आप बह जाओगे। आपका जो गौड़ीय जो विचार है, सूक्ष्म विचार सबसे ऊपर होगी, विचार आपके हृदय में टिका नहीं। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी व्यक्तियों के लिए संग करना बहुत मुश्किल है, विशेष करके वृंदावन जो लोग जाए, हम तो एकदम पकड़ कर 100% पतन हो जाएगा ही, 100% हम 100% हम चिंता करेंगे उसका पतन होगा ही, क्योंकि हजारों किस्म के संप्रदाय हैं, हजारों किस्म का कथा सुनने को मिलता है, हजारों किस्म का प्रसाद मिलता है, हजारों किस्म का प्रसाद तो एक ही किस्म का है, हमारा बोलने का मतलब हर हर जगह जाके खाता है। ऐसा होते होते कि उसका दिमाग जो है बिगड़ जाता है, वो अपना संप्रदाय की जो धारा वो खो बैठता है, उसका हृदय से खो जाता है, मतलब कुछ भी नहीं। बाद में क्या होता है, ना तो अपना संप्रदाय का विचार पकड़ पाता, ना तो दूसरे संप्रदाय का, तो उसके बाद मायावादी बन जाता, घूमो खाओ चलो आनंद करो, बस यही इसी में रह जाता, मायावादी बन जाता। तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, किसी का हृदय से विषय को दूर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो अगर अनुगत धर्म में आ जाए, अतः शरणागत हो जाए, उसमें कोई असुविधा नहीं, लेकिन होता नहीं। पोपाद जी ने बताया, जगत बंधु भक्ति रंजन जी और सखी चरण राय, जिन्होंने एक ने बनाया था बागबिहार गौड़ीय मठ गौड़ीय मिशन, और दूसरे ने बनाया था जोगपीठ मंदिर। पोपा जी बड़ा अफसोस करके बोला कि ये दोनों का हृदय से हम परिपूर्ण रूप से जो शुद्ध जो विचार है, वणिक वृत्ति हटा ही नहीं सका, बड़ा दुख के द्वारा जाने का बात तो भजन किए बहुत, उसके बाद तो अलग बात है, लेकिन पोपा जब प्रकट थे, पर ये दोनों का हृदय से वणिक वृत्ति हम हटा नहीं सका। और इसका टाइटल भी दे दिया था शेष्टार्यो, इसका दोनों का टाइटल दिया था शेष्टार्यो, शेष्टार्यो मतलब है बड़ा बनिक। ये तो हृदय से विश्वास जाना बड़ा बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा बात है वो गुरु विष्णु में विश्वास होना, ये अगर बन जाए तो सब हो जाए। काल चर्चा करते करते हम लोग देखे जो कैसे प्रिय व्रतों का संसार छूट गया, संसार तो नहीं था, फिर भी ब्रह्मा जी का कहने से संसार किए, उसके बाद फिर सब छोड़ के चले गए। उसका लड़का अग्निद्रोह, उसका लड़का नाभी, नाभी का लड़का ऋषभ, ऋषभ का लड़का सौप, लड़का सौप पुत्र, एक सौ पुत्रों का सामने ये जो तात्विक उपदेश है ये देना शुरू कर दिया, सौ लड़का को बैठा के। सौ लड़का का महिमा हम अभी बताएंगे, काल तो बता नहीं पाए। ये उपदेश देने का टाइम में बताए, देखो बेटा ये जो शरीर है, नायम देहो देहो हाजम नेड़ो के कष्टानु कामान कामान अरहते विरोजांगे विरोजांग, ये शरीर जो है ये सुकर छागल कुत्ता का माफी ये विषय भोग करने के लिए नहीं है। तप करो, ठाकुर जी का भजन करो, इसमें सारे सुविधा होगा, नहीं तो होगा ना। इसके बाद महत व्यक्ति का सेवा का महिमा बताया, महत व्यक्ति का सेवा करने से तुम्हारा मुक्ति हो जाए, विषय मुक्ति, और कृष्ण दासों को प्राप्ति करोगे, ऐसा ही भाव भूगोड़ियों सिद्धांत में। इसके बाद बताए जीवा मोहि से कितो सो हृदय, जो लोग शुद्ध सतमय बपू जे हम
हमारा ये जो ये है, हम जो ईश्वर है, हमारा साथ जिसका प्रीति हो गया उसका कोई चिंता नहीं। वो लोग समाज संसार का विषय में उतना उलझते नहीं, जोड़ते नहीं, अलग रहते हैं। और पराभवस्था वदबोध या तो यावद ने जिज्ञासित्वात्म तत्वम यावद क्रियाहस्तावद इदम मनो वही कर्मात्मकम जेन शरीर वंध। जब तक आदमी, जब तक किसी का हृदय में तत्व जिज्ञासा का उदय नहीं होता, तब तक समझ लो को वो जड़ विषय में बिल्कुल डूबा हुआ है, बिल्कुल वो जड़ विषय में डूबा हुआ है, इसीलिए तत्व ज्ञान का उन्मेष नहीं होता। और ऐसा बहुत सारे व्यक्ति जोर जबरदस्ती आके गुरु ग्रहण मठ में आ जाते, गुरुचरण, अब उसका समय ही नहीं हुआ, उसका अभी गुरुचरण आश्रय का समय नहीं हुआ, अब ले ली। इसमें क्या होता, अव्यवस्था अव्यवस्था फैल जाती, बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता। हम काल भी ये बताया था, जो एक ही गुरु जी का साथ दो शिष्य बैठ के शिक्षा ले रहे हैं, एक ही शिष्य एक ही साथ, लेकिन एक का बुद्धि एक हुआ, दूसरे का बुद्धि एक का बुद्धि एक हुआ, दूसरे का बुद्धि एक हुआ, कैसे हुआ? एक ही सिक्का दो बैठ के ले रहा है एक ही साथ, लेकिन इसका बुद्धि अलग हो गया उस विषय का ऊपर। जैसे हम उदाहरण दिया था देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति इंद्रो विरोचन को एक ही सिक्का दिया ब्रह्मज्ञान, लेकिन इंद्रो का हृदय में कुछ तत्व का एक किस्म का पैदा हुआ, अनुभव हुआ, और विरोचन का हृदय में दूसरा किस्म का। और शास्त्र इसका उत्तर भी दिया है, किस लिए? बोले दोनों का संस्कार अलग है, दोनों का जो संस्कार है, जन्म जन्म का जो संस्कार है, ये अलग होने का कारण उसका जो विचार शक्ति है, अनुभव शक्ति है, इसका फर्क है। इसके कारण इसका अनुभव में भी अलग हो जाता, अनुभव इसका अलग है। टीकाकारों ने सुंदर उदाहरण दिया, एक ही गंगा का किनारे, एक ही गंगा जी का किनारे एक आम वृक्ष है, आम का पेड़, एक है आपका नीम का पेड़, दोनों ही एक ही वायु जलवायु, एक ही जल एक ही वायु, एक ही सब मिट्टी, सब कुछ एक है, लेकिन ये खट्टा ये हो जाता करुआ, ये हो जाता मीठा, क्योंकि दोनों का जो संस्कार बीज है दोनों अलग है, इससे ऐसा होता है। तो ये जो बात है, ऋषभ जी सौ पुत्रों का जन्म दिया और सौ पुत्रों को एकदम सुंदर ये तत्व ज्ञान उपदेश देकर, उसका जो जिसका जो भाव है उस मुताबिक उसको सेवा में लगा। जैसे इधर बताओ, थोड़ा दो एक उपदेश को बताए, बोले तब तक आपका पराभव पराजय हो जाएगा जब का हृदय में लोभ रहे। हृदय में जब तक लोभ रहे, काम रहे, क्रोध रहे, तब तक त्यागी बन के भी फायदा नहीं, त्यागी बन के फायदा है। जब सर्वप्रथम मोटर कार आविष्कार हुआ, निकाला भारत में आया, तो एक मोटर कार गौड़ियामठ में दिया था, गौड़ियामठ में सेवा में किसी ने दिया था, और वो मोटर कार में प्रभुपाद चढ़ा, बड़ा निंदा हुआ, साधु हुआ मोटर कार में चढ़ा है, ऐसा है वैसा है। प्रभुपाद जी इसका उत्तर दिया सुंदर है, अंदर में जिसका विषय है लोभ है, बाहर में त्याग दिखा के क्या करे, कुछ तो लाभ नहीं। आज जिसका अंदर में कोई भी भोग का वासना नहीं, चाहे बाहर में भोग का वस्तु है, तो उसका जैसे पुंडरिक विद्यानी के पुंडरिक विद्यानी दिख क्या, पुंडरिक विद्यानी को दर्शन करने के लिए गदाधर पंडित आए मुकुंद के साथ, बोलो चलो तुमको एक बड़ा वैष्णव दिखा के लाए, इतना बड़ा वैष्णव मिलेगा नहीं जगत में, वो देखने के लिए आए।
बोला बड़ा वैष्णव है, इतना गीला पंजाबी है, इतना सुंदर पालंग ऊपर में चांदवा है और डब्बा है पान, पान खाते खाते उसमें पिक फैल रहा है, दानी है पिक दानी, और फूल का झाड़ी गांव में शरीर में सुंदर खुशबू आ रहा है फूल जैसा, इतना सुंदर साज और चूल जो है इतना सुंदर है सुंदर करके। वो गदाधर पंडित आया, वो दंडवत भी किया, बोले कैसा वैष्णव है इतना, बोला बड़ा वैष्णव है, वैष्णव के ऐसा कैसा वैष्णव है। संदेह आ गया, बड़ा डाउट आ गया। मुकुंद का मुकुंद उसका चेहरा देख के समझ गया कि उसका विश्वास नहीं होगा कि बड़ा वैष्णव, माथा का चूल जो है इतना सुंदर तेल लेके, ऐसा चिकन है शरीर, चिकना देखने में इतना सुंदर, बोली ये बड़ा साधु है कैसा हो सकता है ये। तो मुकुंद ने क्या की, भागवत का एक श्लोक उच्चारण किया, बरहा पीरम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक विशन वैजंती चमालम रंधान वेन रदर्श दया पुरायण गोप वृंदई विंध्यारण्यम सपद रमनम प्राविशत गोत गीप गोप कीर्ति। जब ऐसा जब एक श्लोक का उच्चारण किया भागवत का, संग संग देखा पुंडरिक विद्यानिधि सारे पागल का मापिक हो गया। तुरंत कृष्ण का वो जो रूप और जो भाव है समझ में अनुभव में एकदम डायरेक्टली आए, तो पागल का मापिक चिल्ला के रोते रोते एकदम अपना जो सुंदर कापड़ है उसको फाड़ दिया है, सफाड़ दिया, पिकदानी कहाँ चला गया, कहाँ चूल चूल गया, सारे चद्दर बिछड़े ऐसा कि गिर गया, हा कृष्ण कहाँ है। ऐसा इतना प्रेम आंसू बहता, अचेतन हो गया। तो गदाधर पंडित सोचा कि हमारा बड़ा अपराध हो गया, हम तो इसको विषयी समझा था, देख के इतना बड़ा प्रेमी है, भागवत भक्त है, बाहर में दिखाता नहीं किसी को। जैसे शंकर भगवान का प्रसंग आएगा, देखोगे चित्तकेतु के राजा जो चित्तकेतु के विषय आए, शंकर भगवान बाहरी जगत में दिखाता नहीं कि हम इतना बड़ा भक्त है, दिखाता नहीं किसी को हम बड़ा भक्त है, ऐसा विचार आएगा देखोगे। तो भागवत भागवत भक्तों का इतना सूक्ष्म विचार है, तो कोई बाहरी दृष्टि विचार करने जाए तो उसका पतन हो जाए, असंभव समझना कौन भक्त है, कौन स्थिति में है, कैसा है उसका सिचुएशन, हृदय का भाव, वो समझना बड़ा बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। प्रभुपाद जी ने इसीलिए गौड़ियों जब पहले निकालता था, अनाशक्त विषयानो यथारहो मुपयंजत, इस श्लोक का हम व्याख्या करेंगे बाद में। अनासक्त होके विषय को स्वीकार करो, कृष्ण का प्रसाद समझ के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे चैतन्यचरितमृत में आकंठ भरिया करो प्रसाद भोजन, आ तुम अगर आकंठ भर के अगर आराम करो तो हो गया तुम्हारा, आकंठ करिया आकंठ पुरिया करो प्रसाद भोजन तो है लिखा, लेकिन वो करके क्या करे, संकीर्तन करे हर वक्त, और उसका प्रसाद में प्रसाद बुद्धि है, तुम्हारा प्रसाद में प्रसाद बुद्धि नहीं, तुम सोचो कि ये परमान्न प्रसाद है और वो रसगुल्ला प्रसाद है और ये जो बाजरा का रोटी है वो हमको अभी प्रसाद पाके आया, अभी दरकार नहीं। अब जब देखा उधर जो है देखा रसमलाई है, महाराज प्रसाद को अपमान कर अपमान करना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत लेना चाहिए, दो रसमलाई है। आज देखा उधर बजरा का रोटी है, ब्रजमैया दे रहा, महाराज आज अभी पाके आया, अभी प्रसाद तो खाए कैसे हो गया। तो प्रसाद में 100% विश्वास नहीं, वो प्रसाद है ये विश्वास नहीं है। इसीलिए महाप्रसादे गोविंदे नाम ही ब्रह्मण विषय श्लोक का व्याख्या सुनो, प्रसाद में प्रसाद बुद्धि हो, चिन्मय ये बुद्धि जब तक ना हो तो प्रसाद क्या करे, इतना प्रसाद मन में खा रहा है, बोलो प्रसाद पा रहा है दिन रात, फिर भी माया जय नहीं होता, दिन रात इतना प्रसाद पा रहे, प्रसाद पा रहे दिन रात, कथा प्रसाद है, चरणमित प्रसाद है, महाप्रसाद तो निकलता है चकाचक चल रहा है,
लेकिन माया जय हो रहे हो नहीं रहा, किसके कारण क्या है। जहां उद्धव जी पक्का बोले कि तबो माया जये मही, उच्छिष्ट भोजिनो हमारा जो हम तुम्हारा उच्छिष्ट लेते, तुम्हारा माला उच्छिष्ट, तुम्हारा प्रसाद उच्छिष्ट, तुम्हारा कपड़ा जो कुछ भी सब तुम्हारा उच्छिष्ट उच्छिष्ट लेके माया तो हम लोग तो ऐसे चुटकी बजा विजय कर लिया। प्रसाद सेवा करित है सकल प्रपंच जय, लेकिन ज्यादा करके प्रपंच में गिर जा, क्या कारण है अपराध, अपराध के कारण वो पराभव होते रहता है। तत्व जिज्ञासा जब तक हृदय में पैदा ना हो तब तक मुश्किल है, बड़ा मुश्किल, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और मन जो है, मन क्रियाकर्म में, सामाजिक क्रियाकर्म में, शरीर धर्म में लगा रहेगा, इसलिए जावत क्रियाहस्तावत इदम मनो वही निश्चितमेव कर्मात्मकम जैन शरीर बन। जब तक कर्म मार्ग में मन विचरण करते रहे तब तक आपका शरीर का बंधन जाने वाला नहीं है। इसका बारे में ऋषभ जी महाराज सुंदर बताए, याद रखना कवि, ऋषभ जी महाराज बताए, पितिर्न जावद मई वासुदेवे, पितिर्न जावद मई वासुदेवे न मुच्यते देहो योगे न तावत, न मुच्यते देहो योगे न तावत। जब तक गुरु वैष्णव भगवान नाम धाम इसी अर्थात एक शब्द व्यवहार करे, पितिर्न जावद मई वासुदेव, जब तक शुद्ध सतमय जो हमारा ये जो भगवत शरीर है, हम जो भगवत तत्व हैं, जब तक वासुदेव तत्व जो है इसमें जब तक तुम्हारा मन ना लग जाए तब तक तुम्हारा संसार बंधन छूटेगा नहीं। एक सूर्य छोड़ के दूसरे सूर्य, दूसरे तीसरा सूर्य, ऐसे चलो। प्रीतिर न जावद मई वासुदेवे नमोच्यते देहो योगे न तावत, पुंसः स्त्रिया मिथुनि भाव मे त्वं तयोर मिथो हृदय ग्रंथिमाहु। क्या बोला, पुंसः स्त्रिया मिथुनि भाव मे त्वं तयोर मिथो हृदय ग्रंथिमाहु। बंधन कहाँ होता है, हृदय में, हृदय में बंधन है ना, कई किस्म का बंधन है, उसमें जो जबरदस्त बंधन जो है वो क्या है वो हम बताएंगे, विचार आएगा। जितना बंधन है वो बंधन में स्त्री पुरुषों का जो अंतर का जो बंधन है, गांठ सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बंधन, इस सब बारे में आएगा चर्चा। पुंसः स्त्रिया मिथुनि भावे, पुरुष और स्त्री ये दोनों तो ऐसे बाइंडिंग में आ गया, वो एक दूसरे को छोड़ता ही नहीं, ऐसा। पुंसः स्त्रिया मिथुनि भाव मेतम, मिथुनि मतलब एकदम अंगांगी संयुक्त होके रहना, इसमें क्या है, तयोर तयोर दयोर, ये जो दोनों का तयोर दयोर, ये जो इसका जो हृदय ग्रंथि सबसे बड़ा गांठ है, कभी भी अपना हृदय को मन को किसी से लड़ाना मत, किसी का साथ लड़ गया मन हृदय तो गया छुट्टी, वजन से कुछ नहीं होगा। तो पुंसः स्त्रिया मिथुनि भाव मेतम तयोर मिथो हृदय गंतिमा हूं, इसको सबसे बड़ा बंधन सोच लो, जितना बंधन है जगत में सबसे बड़ा बंधन यही है। और जब तक तुम्हारा साथ कोई हंस हो, परमहंस हो, मतलब गुरु वैष्णव के साथ आपका संबंध ना हो जाए, तब तक किसी भी हालत से आपका मुक्ति का रास्ता, मंगल का रास्ता खुलेगा नहीं। हंसे गुरु मई भक्त बच्चे, हंसे गुरु मई भक्त्यान वृत्वा वितृष्णया दंद तीतीक्षया च सर्वत्र जंत्योर
व्यसनावगत्वा जिज्ञासया तपसे हानिवृत्वा हंसे गुरौ मोई भक्त्वान वृत्वा वितृष्णया दन्द तितीक्षया च हंसे गुरौ मोई भक्त्यान वृत्वा। गुरु सेवा करो, वैष्णव सेवा करो, संसार बंधन ऐसे ही टूट जाएगा। संसार बंधन छूटने के लिए कोई चिंता नहीं है। हंसे गुरु मई भक्त्यान वृत्वा परमहंस गुरु वैष्णव मई हमसे भक्त्यान वृत्वा अनुवृत्वा भक्त्या अनुवृत्वा इनके अनुगत में भक्ति वृत्ति का आचरण करो। और फिर देखोगे वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षे। द्वंद्व मतलब, द्वंद्व मतलब क्या है? द्वंद्व मतलब है एक दूसरे का साथ जो द्वंद्व, जैसे व्याकरण में आता है द्वंद्व समाज, भालो मंद, द्वंद्व समाज। ऐसे जो जीवों के हृदय में द्वंद्व चल रहा है, कन्फ्लिक्शन, ये करे नहीं करे, ये अच्छा ये बुरा, एक द्वंद्व। सारे द्वंद्व का, सारे जो द्वंद्व का समाधान मीमांसा हो जाता है जब गुरु विष्णु का पूरा कृपा होता है, तब कोई संशय संदेह नहीं रह जाता। मरने का पूर्व मुहूर्त, शरीर छूटने का पूर्व मुहूर्त, अगर गुरु वैष्णव भगवान नाम धाम परिकर वैशिष्ट किसी भी बारे में तुम्हारा संदेह रह गया, तुमको आवा फिर शरीर पकड़ना पड़ेगा, फिर तुमको आना पड़ेगा इस जगत में, क्योंकि वो समाधान हुआ नहीं। आके उसको समाधान करो, करने का बात होगा बाद में। जैसे हम उदाहरण दिया था दक्ष प्रजापति, वो स्तुति तो किया था शंकर भगवान को, स्तुति तो किया छाग मुंडो पकड़ के, लेकिन स्टिल इसका अंदर में पूरा समाधान नहीं था, थोड़ा बहुत गुस्सा था शंकर के बारे में, फिर जन्म लेना पड़ा। हंसे गुरु मोई भक्तवान वृत्वा वितृष्णया द्वंद्व तितीक्षया च वितृष्णा। वितृष्णा मतलब सांसारिक वितृष्णा, संसार सुखों में वितृष्णा। मठ में रहते हुए त्यागी जीवन गुजारते हुए किसी का जिंदगी में ऐसा हुआ कि संसारी व्यक्तियों का स्वामी स्त्री ये सब जो सुंदर रहता है ना, ये सब सुख देखकर बोले वाह सुंदर है, ऐसा हम करते तो अच्छा होता, तो उसका कभी भी त्यागी जीवन नहीं होगा। सब रहेगा। गौड़ीय मठ का भजन इतना टफ है कि करोड़ों जन्म में समझना कठिन है। कोई अगर बोले गौड़ीय मठ का भजन सबसे सोधा है, तुम मूर्ख, तुम सबसे बुद्धू, गौड़ीय मठ का भजन सबसे सीधा, और गौड़ीय मठ का भजन सबसे कठिन, किंतु प्रभुपाद का नियम है सारे गृहस्थ व्यक्ति को लाओ, उसका मंगल करो, और गृहस्थ व्यक्ति आए तो उसका साथ बातचीत होगा, संग होगा, माता जी सब आए बात करे तभी तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा तात्विक दर्शन नहीं हुआ। तुम्हारा दर्शन का इतना फाइन एक्यूरेसी होना चाहिए कि तुमको ये स्पर्श नहीं करे। जब तक हृदय में वितृष्णा ना आए, प्रभुपाद इसका बारे में बताए कि त्यागी व्यक्ति जो भजन के लिए आए हैं, हम तो त्यागी नहीं समझते आपने को, भोगी भी नहीं समझते, हम त्यागी भोगी दोनों में एक भी नहीं, हमारा त्याग व भोग दोनों में कोई चेष्टा नहीं, देख लेना, पहले थोड़ा था पिंदा, लेकिन बाद में बिल्कुल नहीं। त्याग व भोग दोनों के एक ही चिंता में, बस ठाकुर जी का सेवा बन जाए तो इसमें। जब भी तुम ये आंखों को खोलकर जगत संसार को देखोगे, इसमें बड़ा सुंदर जो रनक देखने को मिलेगा, कितना सुरर रास्ता में जाओ कितना सुंदर सब देखने को मिलेगा। लेकिन एक पक्का जो तत्वज्ञानी पुरुष है, सारे देखते हुए भी कुछ नहीं दिखता। तत्वज्ञानी का दर्शन क्या है? सारी चीज देख रहा है, लेकिन देखते हुए आप सोचोगे हमको देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, उसका शून्य दृष्टि है। सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी वो कुछ नहीं देख रहा है, सब कुछ ग्रहण करते हुए भी कुछ नहीं ग्रहण कर रहा है।
गीता में इसका सुंदर, कभी गीता को सुन लो, बड़ा तय सुंदर हो जाएगा भजन। गीता का पूरा एकदम मैथमेटिक्स अंकों का मापिक जीवन मिल जाए। यथा कुर्म, कुर्म मतलब कछुआ, कछुआ जैसे अपना अंगों को अंग प्रत्यंगों को छुपा लेते हैं, अब छुपा लेते हैं, अब दरकार पड़े तो अंगों को खोल देते हैं हाथ पैर। ऐसा जो तत्वज्ञानी पुरुष है जरूरत पड़े तो खोले को उठा ले, उसका कोई विकार नहीं। कितना बड़ा बड़ा महात्मा देखा, संसार किया बड़ा बड़ा महात्मा, लेकिन संसार में रहते हुए भी बड़ा महात्मा, इतना बड़ा महात्मा मिलना मुश्किल है, लेकिन पूरा संसार किया, इतना बाल बच्चा है, सब कुछ है, फिर कुछ भी नहीं है। तुम देख रहे हो संसार है, कुछ नहीं है। तो त्यागी व्यक्तियों का दर्शन कैसा होना चाहिए? जो लोग भजन करने के लिए आए हैं वो सारे तमाम जो चीज देखें, वो दर्शन उसका परफेक्ट हो सकता है जब शुद्ध गुरु वैष्णव का कृपा मिला। जब तक उसका जीवन में शुद्ध गुरु वैष्णव का कृपा नहीं मिला तब तक उसका दर्शन सही नहीं। तुम इच्छा करके दर्शन को बदल नहीं, हम काल से ऐसा दर्शन करेंगे, होगा नहीं। दर्शन, दर्शन का जो पावर है, दर्शन का जो शक्ति है, सारे गुरु वैष्णव देता है। ये जोर जबरदस्ती हमको फिलोसफी पढ़ लेंगे और भागवत पढ़ ले हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। कृपा के द्वारा संचारित हो जाता है। इससे सप्तम स्कंद जब आए उधर भी देखोगे प्रहलाद महाराज में बताए, परमहंस गुरु वैष्णव का चरण धूलि के द्वारा जब तक हमारा अभिषेक ना हो जाए तब तक बुद्धि शुद्धि नहीं होता। त्यागी जो भजन के लिए आए हैं, अनुगत जीवन बिताने के लिए आए हैं, गुरुचरण में आत्म विक्रय किए हैं, अभी भी तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट को रिजर्व करके रखे हो तो मतलब तुम्हारा शरणागति हुआ नहीं। गुरुचरण में शरणागति का मतलब है तुम्हारा कोई पर्सनल कोई इंटरेस्ट है ही गंद भी नहीं, इसका नाम है वास्तव शरण। ऐसा हालत हो जाए और सदगुरु वैष्णव का सेवा हो तब तो कहना ही क्या, मुश्किल। संसार का कोई वस्तु तुम्हारा जीवन में आकर्षण नहीं पैदा कर सके किसी भी हालत। इससे जो मठ में आए हैं ब्रह्मचारी सन्यासी, ये लोगों को संसार में रहते हुए ऐसा विचार करना है जो ये लोगों का जो सुख है, ये लोगों का जो सुख है ये नाशवान सुख है। त्यागी ब्रह्मचारी सन्यासी, ये जो संसारी आदमी का उसका बीवी बच्चा संसार गाड़ी मोटर सब कुछ है, ये सब देख के अंदर में एकदम वैराग्य के द्वारा भक्ति के द्वारा ऐसा विचार करे कि महाराज ये तो कुछ भी नहीं है, दो पल का आनंद है, ये मजा तो ले रहे है लेकिन दो पल का, लेकिन हमारा हृदय में जो मजा होगा वो अनंत काल का अमृत। हमारा हृदय में जो गुरुजी जो आनंद दिया, जो अमृत दिया, जो आनंद है, वो जगत का किसी भी आदमी को प्राप्ति करना संभव नहीं, क्योंकि वो गुरुजी दिए। गुरु प्रीतो उपयच्छति वैकुंठ जोगी दुर्लभम। ऐसे तो गुरु वैष्णव का सेवा करोगे और अंतर में चिंता करोगे हमको बड़ा सुंदर कामिनी मिल जाए, कांचन मिल जाए, फॉरेन जाने की व्यवस्था हो जाए तो हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध गुरु वैष्णव जो है वो तो उसका वो तो वांछा कल्पो दुर्वसो बोलते, जो मांगोगे वही मिल जाएगा, तुम्हारा उल्टा हो जाएगा जिंदगी। हमने जिंदगी में कभी गुरु सेवा करते हुए फॉरेन जाए याद कभी जिंदगी, तो चुटकी का बात सिर्फ घर को ऐसा करते फॉरेन चले जाए, हमारा कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉरेन जाना ये तो मेरे लिए हंसी का बात, अभी हां कर दे तो चिल्ला गया आनंद से, तो जाके हम क्या करें उधर, हम मरेगा क्या है? किसी का हाथ के खाना पीना उठना बैठना भजन का जो तरीका है, हाँ इससे लोगों के लिए कोई हमारा कोई ये नहीं है, भेदभाव नहीं है, भजन करो, उधर तो व्यवस्था नहीं बन पाएगा ना, उतना व्यवस्था नहीं है, शुद्ध नहीं है कुछ। तो ऐसा है कि ये जो विचार है हर वक्त देखना चाहिए कि इन लोगों का जो आनंद है ये आनंद दो फल का आनंद है, उसके बाद रोना धोना
कुछ नहीं है आनंद बोल के जो चीज आप सोच रहे हो आनंद, आनंद नहीं है वास्तव, कुछ भी नहीं है, वो देखने का आनंद है। बल में उसका उसका पीछे जो दुख है, उसका पीछे जो भरे दुख, दुख भरे नाले, उसको देखते रहना। संसारी आदमी का ये जो पर्दा, ये जो है आनंद, ये पर्दा का पीछे जो दुख है इसको देख ले रहना, तब तुम्हारा संसार का कोई इच्छा पैदा नहीं हो सकता, नहीं तो होगा, ऐसा विचार है। तो हंसे गुरु मई भक्त्यानुवृत्वा वृत्तिष्णया द्वंद्व तितिक्षया च, द्वंद्व वितृष्णया, ये जो द्वंद्व चलता है इससे भी ये भी द्वंद्व भी समाप्त हो जाएगा। और तितिक्षा मतलब तुम्हारा सहन करना असंभव है, सहन करना बिल्कुल असंभव है, फिर भी तुम उसका सब कुछ सहन कर लो, इसका नाम तितिक्षा। किसी ने खामा खाम को अपमान किया है, उसका मंगल करने गया, अपमान के कुछ उल्टा सीधा, लेकिन सब मान अपमान सम्मान जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, मान मतलब सम्मान, कुछ भी एक से तो महात्मा को स्पर्श नहीं कर सकता, उसका जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, वो ग्रहण करते ही नहीं तो उसको कैसे क्या होगा। वो और तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब वो सहन करना बिल्कुल असंभव है, शीत उष्णो ठंडे गरम मान अपमान ये सब विषयों को सहन करना शुरू करो, अभ्यास करो, ये सब अभ्यास करना शुरू करो। इसमें अगर बोलोगे बह जाओगे तो मुश्किल है। शीतुष्णो सुख दुखो तथा मान अपमानयो, ये जो ये अवस्था है, ये सब अवस्था में मन का भाव ऐसा रखो, वजह हृदय का अवस्था ऐसा बना लो गुरु वैष्णव की कृपा से, जो कुछ भी अवस्था में कुछ भी करने वाला है नहीं, क्योंकि बाहर का जो सब वस्तु है वो तो आत्मा का अंदर, हृदय का अंदर उसका कोई प्रभाव हो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रहा है। किस लिए? हमारा जगत में अभिनिवेश होने के कारण, जगत जगतीय मटेरियल वस्तु में, जागतिक वस्तु में मेरा अभिनिवेश होने के कारण, सत्व रजो तमोगुण, तो उसके बाद मान अपमान शीतुष्णो जो कुछ भी है वो तुम्हारा अंदर में प्रभाव फैलने का प्रभाव जरूर फैलेगा। सर्वत्र जंतर व्यसनावगत्या, सारे जितना सारे प्राणी हैं, जीव है, संसारी जीव है, ये सब जीवों का कितना देखो कष्ट है अंतिम में, ऐसा सोचते रहना। सर्वत्र जंतर व्यसनावगत्या, व्यासन दुर्व्यासन इसको अवलोकन करो, देखो कितना कितना कष्ट आता है। जिज्ञासया, उसके बाद जिज्ञासा करो, परिप्रश्न करो शुद्ध गुरु विष्णु के पास, तपस्या निवृत्वा, उसके बाद कर्म त्याग कर, जो है अहंकार त्याग, अहंकार नामक उपाधि को, अहंकार नामक जो उपाधि है उसका त्याग करो। सब वस्तु में, सब जागतिक सब वस्तु में दुखों का अनुसंधान करो, इसमें बाहर में सुख, अंदर में देखो कितना दुख है, ये सब अनुसंधान करते रहना। उसके बाद तत्व जिज्ञासा करना गुरु वैष्णव के सामने, और तत्व जिज्ञासा करते करते ही आपका चरम मंगल का व्यवस्था अपने आप हो जाएगा। बहुत सारे सुंदर उपदेश है, ये इसी विषय में बोलते चले तो एक महीना तक सुंदर, धीरे धीरे एक एक श्लोक का बहुत सुंदर। इसके बाद जो श्लोक हम पहले भी कह चुके आपको याद है कि नहीं, बोले देखो जगत में वो गुरु गुरु नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो देवता देवता नहीं है, वो स्वामी स्वामी नहीं है, जो हम भगवत चरणों में मेरा जो वृत्ति है नहीं दिला सके, भगवत चरण में मेरे को भक्ति कराने में ना लगा दे, तो वो लोग वो गुरु नहीं है।
इसलिए बोला देखो ये सिद्धांत याद रखना, वो पिता पिता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं। गुरुर न सस्यात् सज्जनो न सस्यात् पिता न सस्यात् सज्जननी न सस्यात् दैवम न तस्यात् न पोतिश्च सस्यात् न मोच इदज समुपेतमृत्युम्। जो हमारा मृत्यु आने वाला है, हमारा दो एक दिन का अंत कब आ जाए कुछ नहीं, हमारा मौत आने वाला है, सामने खड़ा हुआ है, ए आजा बुलाता है। ये हमारा समूह मृत्यु से हमको नो जो नो बचाए, जो जो व्यक्ति जो गुरु हमको मृत्यु से न बचाए, जो स्वामी हमको मृत्यु से न बचा पाए, जो पिता माता हमको मृत्यु से बचा नहीं पाए, वो पिता माता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, वो स्वामी स्वामी नहीं है, वो निजीजन जो है वो सज्जन व्यक्ति, हमारा अपना व्यक्ति बोल के सज्जन। तो ऐसे सज्जन का बहुत सुंदर व्याख्या होता है, यहाँ सज्जनो मतलब सौजन, सज्जन इसका सुंदर व्याख्या है, सज्जन को सज्जन है, बहुत ऊंचा व्याख्या है, सुनोगे कभी सजन। अब भागवत में बोला तुम जिन लोगों को सजन बोल के इतना प्यार कर रहे हो, लड़का लड़की सब कुछ है, शास्त्र में बताया देखो सजनाख्या दोषु, सजनाख्या है नाम तो है सज्जन लेकिन दोषु है, तुमको लूट मार करके तुम्हारा जिंदगी को भिखारी बना देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसी याद रखना, वो गुरु गुरु नहीं, तुमको मृत्यु से बचाए, मृत्यु से कब बचोगे जब अमृत मिले, भागवत तत्व विज्ञान का अमृत मिल जाए तो किसी का हिम्मत नहीं हमको मौत का गोदी में सुला दे, संभव नहीं, कैसे हम मरे, तत्व विज्ञान मिल गया तो हम अमर हो गया, अमर है ना आत्मा का वृत्ति तो अमर, आत्मा तो ऐसा अमर है, इसमें इसको अनुभव में लाओ, डायरेक्ट फीलिंग्स तो हो जाएगा काम। गुरुर न सस्यात् सज्जनो न सस्यात् पिता न सस्यात् सज्जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यात् न पोतिश्च सस्यात्। नमो चेद जो समपेत मृत्यु, हमारा आने वाला मृत्यु से न भगवान न बचाए तो क्या काम का, कुछ नहीं है। ऐसा करके बहुत सारे उपदेश दिए। उसके बाद ये जो सौ पुत्र है, सौ पुत्रों में जो नौ पुत्र है, नौ पुत्र को नौवे जोगेंद्र बना दिया, नौवे जोगेंद्र बना दिया नौ पुत्र को। इसके बाद कर्मकांडी सुंदर शुद्ध ब्राह्मण बना दिया, बाकी एक हो और बाकी है नौ, तो तुम्हारा बना दिया नभ जोगेंद्रो, एक जो है एक का नाम है उस पहले भरत महाराज है, भरत महाराज नाम पहला है, और नौ जो है नभ जोगेंद्रो तो कितना रहा नभ जोगेंद्रो है? हाँ, नब्बे से और जो नौ है, नौ को भारत भूमि को नौ विभाग करके दे दिया, बाकी रहा 81 बाकी 81 को कर्मकांडी शुद्ध एक इसमें ब्राह्मण बना दिया सुंदर। चलो ऐसा करके विभाजन कर दिए, इनमें से सबसे बड़ा है भरत महाराज, जिसका नाम पे भारत भूमि का नाम हुआ। ये भारत महाराज बड़ा अजब का साधु है, बड़ा सुंदर, इतना राज्य गद्दी पर इतना बड़ा सिंहासन पे बैठते हुए भी उनके हृदय में विषय का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो भी है ये भजन करने के लिए संसार को छोड़कर, हमारा राजगद्दी को छोड़कर चले गए जंगल में। बोला हम भजन करेंगे, ठीक है, जो उस चीज काल बता रहा था, काल पुरुष तुम जंगल में जाओ तो यही बद्ध मन को लेके जाओगे, यही बद्ध मन है, मन बुद्धि इसी को लेके जाओगे, वृंदावन जाके क्या करोगे, बंधन दशा हो जाएगा,
गुरु चरण में वैष्णव चरण में रहो तो उसमें सारे दिखाई पड़ेगा, सारे तीर्थ। शास्त्रों का विचार है, शास्त्रों का विचार है, गुरु वैष्णव का चरण में तमाम दुनिया का तीर्थ तीर्थ जो है सारे गुरु वैष्णव का चरण में। लेकिन कोई विश्वास नहीं करता, करता है। विदुर जी महाराज के बारे में युधिष्ठिर महाराज, आप स्वयं तीर्थीभूत, सारे तीर्थ आपका मंदिर में है, आप तीर्थ कर में जाते हो, तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी शांतस्ते तो कदा स्थेन गदाभ्रता बोला ना। आपका मापी जो महा पुरुष है इतना, वो तो स्वयं तीर्थ है, तीर्थ को तीर्थ बनाने के लिए जाता है, आप अतीत्व अटन करते हो, बड़ा हंसी का बात है। गुरु वैष्णव का चरण में सारे तीर्थो विराजमान है, ये विश्वास किसी को नहीं होता। ईश्वर परिपाद कभी वृंदावन जाने के लिए चिल्लाया नहीं, चिल्लाया लेकिन माधव बंधु परिपाद जी का सेवा की, उसके बाद पूरा कृपा मिला। जगदानंद पंडित जब वृंदावन जा रहे थे, बोले वृंदावन जाने का अनुमति नहीं दिया महाप्रभु, तीन चार बार पांच बार दस बार पूछते रहे, एक बार इजाजत दे दो हम वृंदावन जाके घूमे, नहीं दिया नहीं। अंतिम में सर्वम भट्टाचार्य जो आदि जो गंभीर आदमी है, सो बोले थोड़ा प्रभु को बोलो ना वृंदावन जाने के लिए, छोड़ता नहीं मेरे को। बोले प्रभु थोड़ा एक दफे बोल दे, एक बार वृंदावन चक्कर लगा के आ जाए। बार बार इतना गंभीर आदमी सब बोला, तो बोले ठीक है जाओ जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी सोनातन का संग नहीं छोड़ना। क्यों महाराज ऐसा क्यों बोला? जगदानंद क्या बच्चा है? हैं? कारण क्या है? बोले जगदानंद का संग नहीं छोड़ना, इसके द्वारा क्या बोला महाप्रभु? सायंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करें इससे लंबा। भले इसलिए बोला कि सनातन गोसाई, सनातन गोसाई संबंध के इनका आचार्य हो, और तुम जो जाओगे वृंदावन में वो संबंध कराने वाला, उसका संबंध छोड़ोगे ब्रजवासी को देखो, ब्रज मैया को, किसी का आचार आचरण तासवर आचरण तुम ही लही तारी बे, ये लोगों का आचार आचरण जो है तुम लेने के लिए असमर्थ, तुम बोले गए भ्रष्टाचार है, मेरे वृंदावन में आके अपराध हो जाएगा, इसलिए मत जाओ। बिल्कुल वो लोग भोग लगाता है कैसे? हम कभी भी ब्रजवासी का कोई दोष नहीं देखा, कभी भी सब ब्रजवासी, कहां हम रहा, चलो सब जगह ब्रजवासी का साथ मेरा। अभी जाए तो सब माताजी भाग के आए, बाबा आया बाबा, इतना दिन बाद बोलेगा कितनी क्या हमारा साथ प्रीति है वो लोग। और मेरा साथ जो एक साधु रहता था, उसको कभी हम भिक्षा के लिए भेजा नहीं, कभी हम बोला तू इधर बैठ के हरिनाम कर, मेरा कथा सुन, काम जाने वो जाएगा तो उल्टा दर्शन होगा। हाँ उसको कभी भेज नहीं थी, हम भिक्षा करके उसको खिलाता था, भिक्षा करके उसको खिलाता था कभी, क्योंकि हम जाने उल्टा दर्शन हो जाएगा। ऐसा ही है तो सनातन गोसाई का संग बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसका कारण क्या है? उसका संबंध छोड़ोगे तुम्हारा दर्शन पक्का नहीं होगा, बड़ा गंभीर विषय है। कैसे हम लोग समझ पाए कि स्वरूप गोसाई को तमाम गौड़ीय मठ का आचार्य बना दिया? कहां लिखा है? एक बद्ध जीव अहंकार के मारे शास्त्र पढ़ेगा और प्रवचन करना शुरू कर देगा, लेकिन ना तो मंगल करे, अपना अपना मंगल भी होगा नहीं, दूसरे का भी मंगल होगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं, मुखस्त कर लिया दो चार बार। कैसे पता चलेगा कि स्वरूप गोसाई को पूरा गौड़ीय संप्रदाय का आचार्य बना दिया? इसका क्या प्रमाण? इस सब बारे में चर्चा सायंकालीन अधिवेशन में करेंगे। अभी जो है भरत जी महाराज चला गया, कहां? जंगल में चला गया, जंगल में जाके भजन शुरू किए। संक्षेप में बता रहे, बहुत जल्दी जाना है, और कुटिया बना के भजन कर रहे हैं, और भजन करते करते उसका कैसा भजन है? मतलब ज्ञान मार्ग ही भजन, ज्ञान मार्ग का भजन है। हमारा जो जो शुद्ध भक्ति ऐसा नहीं, ज्ञान मार्ग का भजन है।
और ज्ञान मार्ग का भजन में नेति नेति करके ये उचित नहीं है, उचित नहीं, ये करने से बंधन, ये सब विचार है। और वो सुबह का टाइम पे एकदम 3-3:30 बजे उठकर एकदम नदी में बैठकर वो अरुणोदय का समय में सूर्य मंडल में जो गायत्री है सब करके ठाकुर जी को रिझाते थे, संतुष्ट करते थे, प्रसन्न करते थे। ऐसा करते करते उसका भजन का जो है बड़ा भजन में बड़ा पावर आया, बहुत तपस्या है, पूरा फल फूल सब आहरण करके। पहले तो उधर जब ध्यान कर लिया, उसका बाद नहा के फिर आदि बैठ के भजन किया, वो ठाकुर जी का अर्चन किया, जंगल से काट आदि लाके यज्ञ सब कुछ, बड़ा भजन भजन जो है बड़ा आगे बढ़ रहा था। अचानक एक दिन ठाकुर जी ने ऐसा परीक्षा लिया कि एकोदा तू महानद्याम कृताभिषेको नैया मीकावश्यको ब्रह्म्याक्षरम अभिगृह्णानो मुहूर्तत्रयम् उदक्रांतो उपोविवेश। एकोदा एक दिन महानदी, ये जो गंडकी नदी है, महानदी मतलब महानदी ना समझो, महानदी तो दूसरी जगह है, महानदी तो उड़ीसा में हमारा। ओ महा एकोदा तो महानद्याम, महान तो माने नदी का विराट पावर है, गंडकी नदी में ही एक ही पूरा तमाम पृथ्वी छानबीन कर लो, शालिग्राम किसी भी जगह नहीं मिलेगा, एक ही गंडकी काली गंडकी नदी, एक गंडकी नदी में ही शालिग्राम मिलता है, एक शालिग्राम मिलता है एक गंडकी नदी काली गंडकी, ये छोड़कर पृथ्वी में किसी जगह शालिग्राम नहीं मिलेगा। ठाकुर जी शास्त्र में है, ब्रह्मांड पुराण आदि बहुत जाएगा आपको मालूम नहीं, ठाकुर जी खुद एक कीड़ा का रूप से इतना बड़ा कीट, वो पत्थर को काट के शालिग्राम बनाता है, पहाड़ का जो पत्थर है उसको काट के शालिग्राम बनाता है, शास्त्र में है। वो शालिग्राम जो है वो प्राप्ति करने के लिए संत महात्मा लोग जाते हैं, लेकिन लक्षण युक्त शालिग्राम अभी मिलना मुश्किल, क्योंकि जो है वो सब चोर है, सब उठा के ले जाते, बिक्री करते हैं शालिग्राम, बहुत मुश्किल है, उठा के ले जाते हैं, चोरी करता है और बिक्री करता है, शालिग्राम बिक्री बिल्कुल निषेध, शालिग्राम गिरिराज भागवत बिल्कुल निषेध, मर जाओ फिर भी अच्छे। तो एकोदा वो महान जो गंडकी नदी में नहाते हुए कहाँ चला गया, पुलस्थ आश्रम जो है, पुला आश्रम जो है नेपाल का जो तराई अंचल, वहां वहां भजन शुरू, वहां भजन के लिए उधर थे पहाड़ी चट्टी, और करते करते अचानक एक दिन ब्रह्माक्षरम ओम इत्यादि ऐसा इधर लिखा हुआ है, जब करते करते अचानक देखे एक सिंगो का आवाज हुआ, हम करके एक सिंगो का आवाज हुआ, तो देखिए एक हरिणी, ये हरिणी एक पानी पी रही थी जो पानी नदी का, और सिंगो का जो आवाज है सुनते ही वो क्या की, डर के मारे एकदम छलांग लगा सामने। इधर लिखा हुआ है तत्रो तदा राजन हरिणी पिपासया जलाशयाभ्यासम एकोई वो उपोजगाम, जलाशय का तीर में एक हरिणी आई, आके पानी पीना शुरू कर, आतया पेपियो मान उदके, जब ये पानी पान कर रही थी तब देवाभी दूरे नदत मृग पदेर उरुन्नादो लोक भयंकर उत्पतत। इतने में क्या हुआ, एक सिंह का नाद हुआ हुम करके, और क्या किया, डर के मारे एकदम क्या की, तम उपस्रुत्यो स्वा मृगवधु प्रकृति विक्लवा चकितो निरीक्षणा सुतराम ओपी हरि भयाभि निवेश व्याघ्र हृदया
परिप्लव दृष्टि रगत त्रिषा भयात सहसैव सहसैव उच्च काम लाभ दिया जाम की। अब जाम देने का क्या हुआ, जाम देने से ये हरिणी जो मैया इनका अंतर में जठर में संतान थे। तस्या उत्पतंत्या अंतरवत्वा उरुभयावगलित योनि निर्गोत गर्भो स्रोतसी निपपात। डर के मारे जो जाम किया तो गर्भ जो है निकल गया, गर्भ निकल के हरिण का जो बच्चा है वो पानी में बहके जा रहा है, पानी के बहके बच्चा जा रहा है। और वो साधु है भजन करते करते ही बच्चा मर रहा है, और मैया तो हार्ट फेल हो गई, छलांग लगाते के साथ से बच्चा निकल गया और मैया हार्ट फेल होके पानी में मर गया और गया, और ये बच्चा पानी में बह रही। पानी में बहते हुए बच्चा को देखने का साथ साथ इसका हृदय में दया आ गया, अरे बच्चा मर रहा है रे, और तैर के जल्दी जाके पहाड़ी नदी है, जल्दी बच्चा को उठा के लाए, उठा के ला के उसको साफा किया और बड़ा जत्न किए। उसके बाद क्या किए, उसका लिए कहा माता तो मर गई, उसका लिए खीर का व्यवस्था करना, दूध का व्यवस्था करना, सारे इसी काम धंधा में लग गया। ये हरिण शिशु का सेवा में इतना मशगूल हो गए कि वो सेवा उसका लिए फांसी का फंदा बन गया। हरिण शिशु का सेवा में इतना उलझ गए कि उसको याद ही नहीं, अपना भजन करो, अपना जप करो, अपना सब गया मिट्टी में। और बच्चा कहां जाए, कैसे जाए, वो ठीक से उसका कष्ट ना हो, कोई जंगल जंगती जंगली जानवर उसको खा ना ले, उसको प्रोटेक्शन देना सारे शुरू है। और फूल फल जंगल से ला के पूजा करने के लिए बैठे, हरिण शिशु आए और फूलों में फलों में मुख लगा दिया, ऐ क्या किया तू, खराब कर दिया, वो डर गया हरिण शिशु। फिर लाके उसको जगह को सफा किया, फिर जगह को सफा कर फेंक दिया, फिर लाया, फिर भी हरिण शिशु को मारते नहीं थे, जा ऐसा मारते नहीं। और वो भी धन के लिए बैठे, अर्चन के लिए बैठे, पीछे आकर जो सिंह है, सिंह से ऐसा ऐसा करते, उठो हमारा साथ खेलो, क्या कर रहे हो तुम, ऐसा करते थे। वो भी उसका थोड़ा बहुत आदर कर लेते, फिर ठाकुर जी का भजन, फिर पीछे मुड़कर देखते कहाँ गया, अरे जरा, फिर अब भजन में शुरू। ऐसा करते करते पूरा भजन जो है पूरा पानी में गया, उसका जो अटेंशन है अभिनिवेश है चला गया दूसरे विषय। जब दूसरे विषय में गया तो दूसरे विषय में जब मन जाएगा तुम्हारा, तभी डर आएगा, मेरा पिता माता को कौन देखेगा, मेरा बच्चा को कौन देखेगा, ऐसे डर डर कब आता है। भयम द्वितीय अभिनिवेश साथ ईशात अपत विपर्यस्थिति, तुम्हारा अंदर भय आएगा, कब आएगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, जब हमारा तबीयत खराब हो हमको कौन देखेगा, तो इससे थोड़ा पैसा इकट्ठा करना है कलेक्शन करके, तो तुम कभी साधु नहीं बनोगे, वो साधु नहीं है, सबका बैंक बैलेंस है, साधु नाम इंचार्ज है, इंचार्ज का जरूरी है कि तुम चलाना है, बाकी किसी का जरूरी है नहीं, किसी का भजन होने वाला नहीं, सब छुप छुप छुपा कर सब अपना माल मार रहे हैं उसकी। बोल जे ऐसा है क्या करे, तो वो अभी उसका अंदर में डर आ गया, अरे बच्चा एक दिन, बच्चा एक दिन हरिण का बच्चा एक दिन गायब हो गया, अरे कहाँ गया, ढूंढते रहेगा ढूंढते रह, पागल हो गया, हरिण का बच्चा कहाँ गया महाराज, मिला नहीं, ढूंढते ढूंढते पागल हो गया, हरिण शिशु मिला ही नहीं, रात का अंधेरा हो गया, रोना शुरू कर दिया, हरिण शिशु मिला नहीं, शायद उसको कोई जंगली जानवर ने खा लिया होगा, जंगली जानवर ने खा लिया, बस हो गया हरिण, हाय हाय हमने क्या किया, एक छोटा सा बच्चा है इसका बारे में हम थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ठाकुर जी क्षमा करो, ऐसा कर रोना शुरू कर दिया। और ऐसा रोते रोते क्या हुआ, हरिण शिशु का बारे में, हरिण शिशु का ऊपर इतना आसक्ति बन गए थे, बाद में क्या की उसका शरीर छूट गया,
जब शरीर छूट गया उसका मन तन धन जब धन मन तन सब लगाकर हरिन से झुकाई चिंता की। तो जंग जंग बाओफी शरणम भावम तजती अंते कलीवरम, हो गया छुट्टी, हरिन शिशु जन्म हुआ। हरिन शिशु कालंजर प्रदेश में हरिन शिशु का जन्म हुआ। लेकिन हरिन शिशु जन्म होने से क्या है, उसका भजन इतना तगड़ा बना था पहले, जहां तक भजन किया था बड़ा तगड़ा था, लेकिन उसका पूर्व जन्म का जो स्मृति है वो मारा नहीं। हरिन जन्म में भी पूर्व जन्म का जो स्मृति है वो पूर्व जन्म का स्थिति रह गया था हृदय में, पूरा एकदम विश्वास ये ठाकुर जी हमको मिलना था लेकिन मिला नहीं, कि इसका लिए जिम्मेदारी मैं हूं। ठाकुर जी ने मेरे को परीक्षा लिया था, किसी किसी का जिंदगी में लड़की भेजता है सुंदर, थोड़ा सेवा करने का बहाना, महाराज हम थोड़ा आपका सेवा करते, हाँ हाँ करो करो, करते करते सेवा का बहाना लेके घुसे और बाद में खत्म सारे। इसी को इसलिए किसी का सेवा नहीं लेना है, किसी का सेवा लेना नहीं, लो तो देने को लेने पड़ जाए, लेने को देने पड़ जाएगा बाद में ऐसा है। तो ये जो है इसका हृदय में पूरा श्रुति है कि हम हरिन शिशु बन गया अभी, लेकिन हम राजा था भरत महाराज, कितना बड़ा राजा था। अरे महाराज प्रपंच में पड़ गया, ठाकुर जी का क्या परीक्षा देंगे। तत्वविदों में बोला, विचार किया कि देखो ये इतना बड़ा महाराज था, पूरा इतना बड़ा राजा भारत भूमि का, वो भारत भूमि का राजा था, वो भारत भूमि का इतना बड़ा राजा, उसका क्या कुछ कमी था, इतना पत्नी है बीवी मतलब रानी, लड़का लड़की, इतना संपत्ति, इतना सब कुछ, जब वो सब छोड़ के आए हो क्या प्रपंच में पड़ना हरिन शिशु का पीछे, ये सब रिलेशन छोड़, देखो पोता पोती सब छोड़ दिया, लड़का लड़की हैं, अपना पत्नी सब छोड़ दी, लेकिन आके छोटा विषय में फंस गया ना, इतना विषय छोड़ा, कोई छोड़ सकता राज्य गद्दी, इतना छोटे छोटे सिंहासन के लिए पॉलिटिकल लीडर में कितना खून खराब हो जा रहा है, छोड़ना संभव, ले इतना बड़े सब चीज छोड़ के आए हैं ठाकुर जी का भजन के लिए, कितना बुद्धि विचार लगा था, भजन किया भी है, लेकिन बाद में एक छोटे विषय में मन उलझ गया, बस गया खत्म। ठाकुर जी ऐसे परीक्षा लेते हैं, किसी का पास ऋषि मुनि का मेनका को भेज देते हैं, किसी को उर्वशी भेज देते हैं, हैं? के देख इसका परीक्षा ले आ, जा ऐसा हो जाए छुट्टी एकदम भजन हो गया। तो अभी जो है ऐसा करते करते क्या हुआ, अंतिम में ये जो हरिन शिशु मिला नहीं, तो उसके बाद इसका हरिन जन्म मिला। हरिन जन्म मिलने का बाद उसका हृदय में स्मृति पूरा भरपूर सी थी कि हम भरत महाराज था, हमारा हालत ऐसा, वो रोते रहे दिन रात, हरिन शिशु जो है वो रोते रहे दिन भर आंसू, और कालंजर प्रदेश से वो रास्ता ढूंढते ढूंढते फिर जिस जगह भजन किया था पुलहाश्रम, वहां पहुंच गया, सेन नेपाली उसी जगह चला गया जहां पहले भजन करता था, ढूंढते ढूंढते जंगल फिर उधर चला गया गंडकी नदी का किनारे, जहां अपना यही हमारा कुटीर, यही मेरा कुटीर था। अब ठाकुर जी क्या हुआ, हाय हाय कहते कहते रोते रहे, और सूखा पाता आदि जो है वो खाते रहे, और गंडकी नदी में नहाते रहे वो पशु हरिन, करते करते एक दिन गंडकी नदी में अपना शरीर को छोड़ दिया, गंडकी नदी में शरीर को छोड़ दी, गंडकी नदी में अपना गंडकी नदी में गंडकी नदी कथा का परिवेश नहीं है, गंडकी हमारा इच्छा नहीं लग रहा इधर कथा में बिल्कुल नहीं, यहां आके बिल्कुल आनंद बिल्कुल नहीं, व्रत भी नहीं अच्छा हो रहा है,
जो कुछ भी है अभी जो बाद में क्या हुआ उधर आए, आने के बाद फिर भजन करते करते अपना शरीर को छोड़ दिए। और शरीर छोड़ने के बाद गंडकी नदी में शरीर छोड़े, ठाकुर जी का चिंतन करते करते शरीर छूटे, तो इसका बाद इसको अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण में उसका आविर्भाव है। आविर्भाव होने के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब तो हम किसी का चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अंतिम श्लोक जो है बहुत रोया है, हैं बोले अहो कष्टम भ्रष्टो अहम आत्मवतानो पथाद जद विमुक्त समस्त संगस्व विविक्तो पुण्यारण्य शरण स्वात्मवतो आत्मनि सर्वेषाम आत्मनाम भगवती वासुदेवी तदनु श्रवणो मननो संकीर्तनाराधनानुस्मरणाभिजोगेना आसन्न सकल यामीन कालेन समावेशितं समाहितं प्रात्स्नेन मनस्तत्तु पुनरं ममाबुदस्याराद मृगसुतो मनु सुस्राव इत्येवं निगूढ निर्वेदा विसृज्यो मृगिं मातरं पुनर्भगवत् क्षेत्रं उपशमो शील मुनि गणदयित दैतं सालग्रामं पुलस्तो पुलहाश्रमं कालंजराः जगाम इति एवं निगूढ़ निर्वेदा विसृज्य मीगम मातरम पुनर्भगवत क्षेत्रम उपशम शील मुनि गणो दैतम शालग्रामम पुलस्त पुलाश्रम कालंजरा प्रत्याजगाम तस्मिन्नोपि कालम प्रतीक्षमाना संज्ञाच वृषम उद्विग्नो आत्मो सहचरः शुष्कपर्णो त्रिनो विरुधा वर्तमान मृगत्य निमित्यावोसानमेव गणयन मृगो शरीरम तीर्थोदकक्लिन्नमुत्ससर्ज अहो कष्टो भ्रष्टो अहम आत्मो बतानु बतानु पथाद आत्मो बतानु पथा आत्मो आत्मा जो गति है जो हमारा भजन पथ है। अहो कष्टो भ्रष्टो अहम आत्मो बतानु पथाद यद विमुक्त समस्त संगस्य विविक्तो पुण्यारण्य शरणस्व आत्मो बतो आत्मनि सर्वेशम आत्मनम भगवती वासुदेवे। ऐसा है कि हम पूरा तमाम ऐश्वर्य जो है सब छोड़ के आए और विविक तो निर्जन वास के लिए आए अरण्य में गंडकी नदी तिराने में फिर आत्मनिज है सर्वेशम आत्मनम भगवती वासुदेवे तदनुश्रवण मनन संकीर्तन आराधनम आराधनानुस्मरणाभि योगेना असकल असुन्न सकल यामेन कालेन समावेशितम समाहितम क्रात्स्नेन मनस्तत्तु। क्या बोल रहे हैं? बोले ये सब छोड़कर ठाकुर जी में हमने संकीर्तन मनन चिंतन इसमें मन लगाया था, अब अचानक मेरा जिंदगी में कैसा हो गया देखो, अब हम किसी का साथ किसी प्रपंच में नहीं पड़ने वाला पड़ना पड़ेंगे। ऐसा करके इसका जो जब तक शरीर न छूटे ये जो हरिण शिशु है तस्मिन ओपी कालम प्रतीक्षमानः संज्ञाच वृषम उद्विग्न आत्मो सहचरो शुष्को पर्णो त्रिणो विरुधा वर्तमानो मृगत्य निमित्वावोसानो मेव गणयन मृग शरीरम तीर्थोद्योग तीर्थोद्योग
क्लिन्न मुत्स्य सर्ज, बजे ये मृत्यु का समय जब तक ना आए तब तक शुक्न सूखा पता फता खाकर गंडकी नदी में नहाकर और चिंतन करते रहे, उसके बाद शरीर को छोड़ दिए तीर्थो दौ के। अतः काली नंडिका जी काली गंडकी जो नदी है और नदी में अपना शरीर को छोड़ दिए। छोड़ने के बाद उसका जन्म हुआ है नवम अध्याय में, अथो कसश्चित द्विजवरो स्वांगी रसो प्रवरस्य समो दमो तपः साध्याय अध्यायन त्याग संतोष तितिक्षा प्रसयो विद्यान अनसुयात्म ज्ञानानंदो युक्तो स्वात्मो सदृश श्रुतो शीलाचारो रूपो उदार्ज गुणा नवो सोदार्या अंगया बभूव मिथुनंच जबायस्याम भार्यायाम। बले अथो क्या हुआ, अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुल में उसका श्रेष्ठ जन्म हुआ, समो दमो तपस्या वेदोध्यान ध्यान संतोष तितुक सहिष्णु विद्या विनय अनसुया अनज्ञान, बिल्कुल माया नहीं है वो, आनंद युक्त हो किसी एक शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जिसमें ये सब गुणावली है जो हम बताया, इसी जगह उसका आचार आदि सब कुछ बहुत सुंदर है ब्राह्मण का, सदृश शील आचार रूप सो उदार जो गुण संपन्न, ये जो ब्राह्मण है इस ब्राह्मण का कुछ पुत्र जन्म लिया, जिसका दो पत्नी थी, दो पत्नी था, एक पत्नी छोटा पत्नी का, छोटी पत्नी जो है उसका गर्भ में इसका जन्म हुआ, ऐसा उसका नाम रख दिया गया जरभरत। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि ये संग के कारण संगम न कुरुयात, संगम संगम नहीं करना है, जो कपिल जी महाराज माता जी ना माता देवाहुति को बताया था ना, हैं ये समाज संसार का जो संग है आपको बंधन में डालने वाला, इसे सब संग नहीं करना, संगो जो संस्थित रहे तो आया ना ये बात, संगो जो संस्थित रहे तो ये तो संगो जो हुआ संसार का कारण मन गया, अब कैसे बाहर जाए, इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया हम किसी का संग नहीं करेंगे, आप बोबा बन के रहेंगे, बोबा गुंगा बन के रहेंगे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, जड़ भरत नाम पड़ गया। अब जड़ भरत जो पड़ गया इसका विचार ऐसा है संसार में किसी का संग नहीं किया, और धीरे धीरे क्या की, धीरे धीरे क्या की, भले इन्होंने जड़ जैसे जड़ पशु जैसा रहता है, ऐसा कोई बात नहीं करता, किसी का साथ चर्चा कुछ नहीं करता, ऐसा गुंगा बन के रह गया, कोई कुछ बोले जा उधर वो काम करके आ, उधर लगा दिया काम के, लगा काम में लगा जाता, किसी का अगर इच्छा हो इसके ये सेवा में लगा दे, जा ये सेवा करना शुरू कर, किसी को इच्छा है इसका लेके खेत में लगा दे, खेतन में वो खेत को खेत का इधर बैठ जा लाठी लेके, इधर पशु आके खा लेगा धान चाल, वो बैठ गया इधर केदार कर्माने बोलता है, और शीत उष्ण सुख दुख को किसी इसका किसी का प्रभाव, ये सब चीजों का जो प्रभाव है तो इसमें नहीं करता, शीत उष्णो बात वर्षेशु सर्वदा क्या वृषो इव अनंग अनावृतांग, वृषो सांड जैसा अलगा रहता है ऐसा ही रहता था। सच प्रकृतिर द्विपद पशुभिन्मत्त जरो बधिर मुके मुकेति अभिवास्यमान, सच प्रकृतिर द्विपद पशुभिन्मत्त जरो बधिर मुकेति अभिवास्यमान, यदा तदनुरूपाणि प्रभासति कर्माणि च कार्यमानः परच्छया करोति विशिष्टो वितोनुतो वा जचया जदृक्षया भूपसादितमल्पम् बहुमृष्टम् कदन्यम् व्याभ्यवहरति परम् नेन्द्रियो प्रतिनिमित्यम्
नित्यो निवृत्तो निमित्तो ससिद्धो विशुद्धानुभावानंदो स्वात्मलाभादिगमः सुखदुःखयोर् द्वंद्व निमित्तयो रसंभावित देहाभिमानः शीतोष्णो वातवर्षेषु वृषो ईवानावृतांगो पिनः संहननांगो स्थंडीलो संवेशनामर्दनाम् अमंजनोरजसा महामोहनि रिवानोभिव्याप्त ब्रह्मवर्चसो कुपटावृतकोटि रूपोभितेनोरुमसीना दिजातिरिति ब्रह्मबन्धुरिति संगया तज तजज्ञ जनावनतो विचचारो तदा तु परतो आहारं कर्मो वेतनतो इहमानः सभातृभिरूपी केदारकर्मणि निरूपितस्तदपि करोति किन्तु समं विषमं नूनम् अधिकमिति न वेदो कनो पिन्याको फलीकरणो कुल्मासस्थाली पुरीशादीनी अमृतवत् अव्यवहरति तदा तु परतो आहारं कर्म वेतनतो योमानः सभातृभिः केदारकर्मणि निरूपितस्तदपि करोति किन्तु समं वितामं नूनम् अधिकमिति न वेदो कनोपिन्याको फलीकरणो कुलमासस्थाली पुरीशादीनि ओपि अमृतवदव्यवहरति अथो कदाचित् कश्चित् वृषलपतिर् भद्रकालै पुरुषो पशुम् आलभत आपत्यकानः अथो कदाचित् कश्चित् वृषलपतिर् भद्रकालै पुरुष पशुम् आलोभतापत्यकानः तस्सोह दैवं विमुक्तस्य पशुः पदवीं तदनुचरः परिधावन्तो निशि निशीतसमये तमसावृत्यायाम् अनधिगतो पशुभो आकस्मिकेन विधिना किदारानो विरासनेन मृगो वराहा दिव्यो संरक्षमानं अंगिरः प्रवरसूतम् अपश्यन् तस्सो ह दैवो विमुक्तस्य पशुः पदवीं तदनुचरः परिधावन्तो निशि निशीतसमये तमसावृतायाम् अनधिगतो पशुभो आकस्मिकेन विधिना केदारानुविरासनेन मृगो वराहादिभ्यो संरक्षमानम् अङ्गीर प्रवरसुतमपश्यन् अथोत एवम् अवद्यलक्षणम् अवमृश्य भर्ति कर्मो निष्पत्तिं मन्नमान बध्यारसनया चंडिका गृहं उपनिन्योर्मदा विकसित वदन अथोत एवं अवद्यलक्षणम् अवमृश्य भर्ति कर्मो निष्पत्तिं मन्नमान बध्यारसनया चंडिका गृहं उपनिन्योर्मदा विकसित वदन ओके अथो प्रणयस्त्वं सविधिना अविशिच्याहतेन वासो साच्छाद्यो भूषणालेपस्रक्तिलकादिभिरुपस्कृतं
भोक्तवन्तं धूपो दीपमाल्यो लाजो किसलयांकुर फलोपहारो पेतया वैशस संस्थया महता गीतस्तुति मृदंग प्रणव घोषेन च पुरुषोपसुम भद्रकाल्या पुरतो उपवेशयामासु अथो प्रणयस्त्वं स्वविधिना भीषिच्याहतेन वासो साच्छाद्यो भूषणालेपशक्तिलकादिभिरुपस्कृतम् भुक्तवन्त्यं धूपदीपमल्लोल्लाजो किसलयाङ्कुरो फलोपहारो पेतया वैशस संस्थया महता गीतस्तुति मृदंग प्रणव घोषेन च पुरुषपशुं भद्रकाल्या पुरतो उपवेशयामासु इति तेषां विशालानां रजस्तमः प्रकीतीनां धनो मदो रजो उत्सिक्त मनसां भगवत कलाधीरकूलं कदत्थिकृत्वोत्पथेन स्वैरं विहरतां हिंसा विहारानां कर्मातिदारुणं यद्ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षि सुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूतसुहृदः सुनायाम ओपी अनुमतो मालोभन तदुपलभ्य ब्रह्म तेजसाति दुर्विषहेन दंदज्यमानेन वपुषा सहसोच्चाटसैव देवी भद्रकाली सहसोच्चाटसैव देवी भद्रकाली व्रीशम अमर्ष रोषा विसर्वस व्रीशम अमर्ष रोषा विसर्वस विलोसितो भ्रुकुटी विटोपो कुटीलो दंष्टारुणे क्षणाटोपाति भयानक वदना हंतुकामे वेदम महाट्टहासम अति संग्रमेण विमुञ्चन्ति ततो उत्पत्तो पपीयसां दुष्टानां वृषालानां तेनैवासिना दिव्विघ्नो सृष्णाद् गलात् स्रवन्तम् अस्रिक् आसवम् अति उष्णं सहोगनेन निपियाति पानमदबिल्ललोच्चैस्तरम् सपार्षदे स यज्ञो ननर्तो च विजहारो च शिरोकन्दुकुलिलया व्रीशम अमर्ष रसा व्रीशम अमर्ष रोषा विसरभस विलोसितो भ्रुकुटि विटपो कुटीलो दंष्टारुणे क्षणाटोपाति भयानक वदना हन्तुकामे वेदं महाट्टहासम् अति संग्रमेण विमुञ्चन्ति ततो उत्पत्तपपीयसां दुष्टानां वृषालानां तेनैव आसिना विविघ्नो सृष्णात् गलत् स्रवन्तम् अस्रागासोगमति उष्णं सहोगनेन निपियाति पानमदविल्लल उच्चैस्तरम् सपार्षदै सहो यज्ञौ ननर्थ च विज आर्च शिरकन्दुकुलीलया एवमेव खलु महदभिचारातिक्रमः क्रात्स्नेनात्मने फलति एवमेव खलु महदभिचारातिक्रमः क्रात्स्नेनात्मने फलति न वा एतत् विष्णुदत्तो महदद्भुतं यत् संभ्रमः स शिरश्छेद आपतितेऽपि विमुक्तदेहाद्यात्मो भावो
शुद्धिर हृदय गंथीनम सर्वसत्तो सुहृदात्मनम निर्वैरानम साक्षाद भगवत बता निमिषारी बरायुधेना प्रमत्तेन त्वैस्त्वैर भावै रविरक्षमानानं तत्पादमूलं अकुतश्चिद् भयं उपसृतानं भगवद् परमहंसानं इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्रभाष्ये परमहंसां संहितायां वैयासिक्यां पंचमस्कन्धे जड़ो भरतचरिते नवमोऽध्याय शीत उष्ण सुख दुख इसमें एकदम अनावृत अंगो पत्थर में स्वयं हो जा माटी पे किसी भी जगह कोई चिंता ही नहीं है कुछ ऐसा करके क्या कि अपना जो उपवित है उपवित को भी इधर कर इधर उपवित को खोल के कम जो अपना जो कमर है कमर में लगा दिया उपवित को ऐसा करके रहा। अब खाने पीने का भी कोई चिंता नहीं, कोई कुछ दे तो खाया, नहीं दिया तो नहीं खाया, कोई कुछ दिया तो खाया, नहीं दिया तो नहीं खाया, ऐसा करके अपना जीवन जिंदगी को गुजार रहे और चुपचाप अंतर में निष्ठा रखकर भजन कर रहे। पिताजी ने उसको संस्कार आदि करा दिया, बोले बेटा ऐसे आचमन करना है, सब करना है, सिखा दिया, ब्रह्म गायत्री दिया, उसका बाद उपवीत सब कुछ हो गया। लेकिन पिताजी बोले आचमन करके दिखाओ कैसे आचमन करे, वो करने जाए फिर गलती कर दे, इतना दिन में आचमन भी नहीं सिखा तू, इतना दिन हो गया आचमन भी नहीं सिखा तू, बोले मारने जाए। ये अंतर में सब जानता है लेकिन बाहरी दृष्टि में इच्छा करके बोका बन के रहा, क्यों वो अगर आचमन सीख से क्रियाकंड में लग जाए। पिताजी बोले जा उधर शादी का पाठ पढ़ा के आ, जा उधर जा अर्चन करके आ, लगा दे। इसीलिए बिल्कुल वो ये सब बंद करके पागल का माफिक रहा। पिताजी ने मरने के टाइम अफसोस किया, ये लड़का को कौन देखेगा, इसका ना आचमन सीखा ना अर्चन सीखा, कुछ सीखा नहीं, कुछ संस्कार कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही बिना खाए मरेगा। सिखा देने का कोशिश किए लेकिन हुआ ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ, एक दफे इसका जो भाई लोग है बदमाश, पिताजी मर जाने का बाद तो उसका कौन ध्यान दे, कभी खाना पीना दिया कभी ना दिया, वो तो कुछ बोलता ही नहीं। इसको लेके रात्रि का समय जो है उसको खेत का जो देखवाली है उसमें सेवा में लगा दिया, बोले एक खेत को पहरा दे, पशु आके खा जाएगा, वो अपना माचा बना के उसके ऊपर लाठी लेके बैठा हुआ है, लाठी लेके बैठा हुआ है। इसी समय क्या हुआ, इसी समय एक वृषलपति जो है वृषलपति अपना जोगों का आयोजन किया, उधर जो काली पूजा में जो उसका जो बलि देने का जो पशु है वो भाग गया, बलि देने का जो पशु है काली पूजा कर रहा था और पूजा करने के जो पशु है वो किसी भी हालत से भाग गया। अब किसको कैसे हम बलि चढ़ाएं, पशु तो भाग गया, तो इनके जो नौकर चाकर है सब पशु ढूंढने के लिए निकल गया जंगल में, ढूंढते ढूंढते पशु नहीं मिला, बहुत ढूंढा, उसके बाद एक पशु का माफिक एक आदमी मिला, जर भरत मिल गया। और जर भरत जब मिला, जर भरत के लेके आया, महाराज पशु तो नहीं मिला, ये तो पशु से बढ़ के है, ये मिल गया, इसको बोली चढ़ाओ, बोले ठीक है बहुत अच्छा, बोल के क्या की ना, बोले उसको स्नान कराया, सब कुछ कराया, लाल तिलक लगाया, स्नान कराया, सब कुछ करके उसको बोली पे चढ़ाने के लिए, बोली में चढ़ाने के लिए उसका व्यवस्था किया। उसके बाद बाजा बजाना शुरू कर दिया, बाजा जोर जबरदस्ती, उससे जोर जबरदस्ती उसका जो गाना बजाना हो रहा है, उसी अवस्था में क्या की, अथो बले अथो बज अथो
प्रणय स्वाम सविधिना अभिशिच्या आहतेन बासाद्य भूषणालेप सकृत मध्य बचे भूषणाल भाई इधर लिखा हुआ है अथो प्रणय स्वाम सविधिना अभिशिच्या आहतेन बासाद्य भूषणालेप स्रक तिलकादि भी रूपस्कृतम भुक्तवंत्यम उसको खिलाया पिला दिया भोजन कराया स्नान कराया भोजन कराया फिर उसके बाद धूप दीप माल्लो लाजो किसलयान कूरो फलोपहारो पेतया वैशो संस्थया महता गीत स्तुति मृदंग प्रणव घोषेण स पुरुष पशुम भद्र काल्या पुरतः उपोवेशयामासु भद्रकाली का सामने उसको लेके आया लेके आके वो जो बोली देने का जो व्यवस्था है उसमें लगा दिया। अथो विशल राजो पानी पुरुषो पशो अस्त्रिक आसवेन देवीं भद्रकालीं जक्षमानस तदभि मंत्रितो तमसीम मोती करालम निशि भजन मोती करालम निशितम उपाददे और सिंदूर लगाया खाड़ा जो है खाड़ा में सिंदूर लगाया खाड़ा का पूजा किया करने का बाद वृषलपति पुरुषो पशोर अस्त्रिक आसेवेन भजे ये जो पुरुषो पशु पकड़ के लाए इसका खून से देवी मैया का पूजा करने के लिए क्या किया हाड़ीकाट में लगाए और खाना का पूजन करके ऐसा उठाया बोली चढ़ाए। ऐसा जो बोली चढ़ने का व्यवस्था हुआ तब क्या हुआ बोले तब देवी एकदम बड़ा गुस्सा हो गया। देवी इतना गुस्सा हो गया कि पूछो मान क्या करें। बच्चन यह लिखा हुआ है जे इति तेसाम वृषलानम रजस्तम प्रकृतीनाम धनमदो रजो उत्सिक्त मनसाम भगवत कलाधि कूलो भगवत कलाधि कूलम कदर्थिक कृतोत्पथेन स्वैरम बिहतराम हिंसा विहाराणम कर्माति दारुणम तद्ब्रह्मभूतस्य साक्षाद ब्रह्मर्षि सुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूत सुहृदः सुनायम ओपी अननुमतो मालवनम तदुपलभ्य ब्रह्म तेजसाती दुर्विशहेण दंदज्यमानेन वपुषा सहसो उच्चचाटो सैव देवी भद्रकाली। जब देखा इतना बड़ा साधु है इसको बोली चढ़ाने के लिए आया है इतना बड़ा इसका धनमद इसका इतना बड़ा हिम्मत है कि ये ब्रह्म बमूर्षि सुतस्व निर्वैरस्व सर्वभूत सुहृद इतना बड़ा वैष्णव है इतना बड़ा साधु है इसको बोली चढ़ाने के लिए लाए हाय हाय बोल के देवी क्या की ये मूर्ति है मूर्ति मूर्ति एकदम फट गया मूर्ति फाट के देवी मैया निकल पड़ी वो मूर्ति का अंदर से देवी मैया स्वयं निकल पड़ी और खाना को उसका हाथ से उठाया खाना को उसके हाथ से लिया और काटना शुरू कर दिया वो असुर लोगों को। वो काली मैया अभी भी है कुरुक्षेत्र जाओ भद्रकाली के द्वारा भद्रकाली जो है वो अभी भी है कुरुक्षेत्र में जाओ देखो काला वो काली देवी का अंदर से देवी स्वयं निकाले मूर्ति का अंदर से निकाल के पूरा वो खाना को ले लिया लेके काटना शुरू किया एक एक को और उसको काटना नहीं भले वृषम अमरसो रोषा वेसरो बच्चा वृषम अमरसो रोषा वेसरो वेसरो भसो सविलोसित भ्रू भूल हो जाएगा भाई हमारा अपराध हो जाएगा अटेंशन इधर उधर उल्टा हो जाता समझते नहीं हो
भृशम अमरसो रोषा वेसर अभस विलोसित भुकुटी बिटपो कुटिलो दंष्टारुणाक्ष ऋणाक्षेना टो पाटी भयानक वदना हंतु कामे वेदम महा अट्टहासम उति संग्रम्भेन विमुंचंती तत उत्पत्तो पापीयसाम दुष्टानम वृषलानम तेन इवासीन विघ्न सृष्णात गलात अस्रवंतम अस्रागम बोलचेन अस्रवंतम अश्रिक आसवम उत्तृष्णम सहो गणेन निपियाति पान मद बिल्लोच्च स्तराम स पार्षद सह जगौ ननर्त च बिजहार सिरकंदुक लीलया बजे ये जो देवी अभी गला को काटने का बाद जो खून निकला देवी ये खून को पान करना शुरू कर दिया मुंड काट के उसमें जो खून आता है खून को पान करना शुरू कर दिया और जो मुंडो है मुंडो को काट के फेंक दिया और देवी इधर से मुंडो को उधर लात लगाया उधर डाकिनी जोगिनी उधर से उधर लात लगाया मतलब वो मुंडो के द्वारा बल खेले फुटबॉल जो है ना कुंदुक लीला खेल रहे ऐसा ही है विचार लिखा है एवं एवं खलु महत अभिचाराति क्रम क्रास्नेन आत्मने फलति महापुरुषों का चरण में अपराध करने का फल जो है ऐसे ही अपने ऊपर आ जाता है जैसे देखोगे चैतन्य लीला में भट्टो थारी का पास से छोटा जो तुम्हारा काला कृष्णदास को उठा के ले आने के लिए गया तो भट्टो थारी लोग जो है वो छुरी कटारी लेके मारने के लिए गया महाप्रभु को और उसका हाथ से छुरी कटारी सब निकल गया और उसका ही शरीर पे गिरा कट के फेंक दिया खून निकालना शुरू कर दिया ऐसा करके महापुरुष का चरण में जो अपराध करता है उसका अपराध का फल अपने ऊपर ही आता है वो लोग का कुछ नहीं होता ऐसा करके तो मर गया वो लोग फिर जरवर्त को एक दिन ऐसा ही होता एक दिन जरवर्त को उठा के ले गया एक आदमी वो कई आदमी ढूंढने के लिए आया था कोई आदमी जो पालकी है ना पालकी जो है वो उसका जो चार आदमी है चार में एक जख्म हो गया तो एक कम हुआ तो राजा कैसे जाए शिव हरिपते अथो इधर है श्री सुखवाचो अथो सिंधु सौभरिपते रुहुगणस्य व्रजतो इक्षुमत्तास्तटे तत्कूलो पोतिना शिविका वाहवको पुरुषान्वेषणे अन्वेषण समये दैवेन उपसादितः स्वदिजवर उपलब्ध एशो पीवा जुवा संहन नांगो गोखरो बदबूरम बोडुम अलम इति पूर्व विष्टि गृहीत्वै सहो गृहीतो प्रसभम अतद अरह उबाहो शिविकाम स महान भावः बजे एक दफे ये जो सौहरिपति राजा जो है वो अपना पालकी में बैठकर जा रहा था लेकिन एक जो चारों में एक जख्म हो गया एक व्यक्ति कमी हो गया उसलिए एक पुरुष का अन्वेषण करने के लिए गया तो देखा ये जो अच्छा पुरुष है इसको पकड़ के लिया जो बोले वो माने इसको पाली पालकी वहन काम में लगा दिया ये पालकी को वहन करने के काम में उसको लगा दिया वो पालकी लेके जा रहा है और इसका तो पालकी जो है सिविका जो वहन करने का अभ्यास तो इसका है नहीं इससे उसको इसका जो बैलेंस है डिसबैलेंस होते जा रहा है किसको इसका अभ्यास है नहीं पालकी चलाना जो सिविका वो लेने का कोई प्रैक्टिस है उसका प्रैक्टिस नहीं है तो क्या करे जब ऐसा उल्टा सीधा हो गया तो अंदर से राजा जो है पालकी ऐसा क्यों है हो रहा है तो बोला महाराज हम लोग क्या करें नया आदमी जो लगाया उसको पता नहीं है इसलिए उल्टा सीधा हो रहा है बोले उसको सावधान करो उसको सावधान किया ऐसा करते करते बाद में जो किसी भी हालत से संशोधन हुआ ही नहीं तो क्या करे राजा ने बहुत गुस्सा किया लेकिन जो लोग पालकी को वहन
बहन कर रहा था, वो लोग बोला राजन हम लोग क्या करें, देखो संग बच्चे संसर्गी को दोष एव नूनम एक स्वापी सर्वेशम संसर्गी का नाम भवितुम अर्हति। ये संग जो एक एक साथ जो रहता है, एक साथ जो रहता है, एक का दोष जो है दूसरे का ऊपर जाएगा। गोष्ठी भजन में सबसे बड़ा समस्या है, गोष्ठी भजन में इतना बड़ा समस्या ही है सबसे बड़ा कि संसर्ग ये तो इसकी जिसका दोष है वो हमारा अंदर भी आएगा। संसर्गी को दोष एव नूनम एक स्वापी, नूनम मन निश्चित में एवं एक स्वापी सर्वेशम संसर्गी का नाम भवितुम अर्हति, हवे होगा ही ऐसा ही है। उसके बाद राजा बहुत गुस्सा हुआ, गाली दिया हैं, गाली दिया, ऐसा गाली दिया वो उसको जैसे घुमा फिरा के गाली दिया, तुम्हारा तुम तो दुर्बल हो, खाया पिया नहीं हो, तुम तो कुछ खाते नहीं हो, इतना दुर्बल हो, ऐसा करके घुमा फिरा कर जिसको अपमान करना, घुमा फिरा कर ऐसा अपमान करना ये कर दिया। करने का बाद फिर बाद में क्या हुआ, जो ये जो है जर भरत जी अपना जवान को खोला, दो चार शब्द उच्चारण किया, करने के बाद इसका दिमाग घूम गया, बोले जिसको पागल समझ के हम लगा दिया ये इधर, जिसको पागल समझते हुए हमने इसको लगा दिया शिविका वहन कर्म में, वो ऐसा बड़ा ज्ञानी है, इतना बड़ा बोल के छलांग लगा के पालकी से उतरा और रोना शुरू कर दिया, क्षमा करो हमको, आप कौन हैं, आप कौन हो जो अपना परिचय नहीं दिया, आपको हम पालकी में लगा दिया, का कितना बड़ा अपराध हुआ हमारा, आप क्षमा करना, बोल के स्तुति करना शुरू कर दिया। उसके बाद इतना क्षमा मांगा, तो ये इसका प्रसंग जो है सायंकालीन अधिवेशन में बताएंगे। नाहं विशंके सुरराज वज्रात नास्तार कुशूलात न जम सदंडात नग्नात सोमान निलवित पास्प्रात शंखे वृषम ब्रह्म कुलाभमानात वांछा कल्पतरुषिक वासिंद विवेच पतितानं पावन भूवैष्णवभ्यो नमः।